Again, in this problem, you have to find the acceleration of the system and tension in the string, right? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगा। और मान लेते हैं कि सपोज इस स्ट्रिंग में टेंशन दिस इज, या ये टेंशन T1 है, राइट? तो ये इस साइड में टेंशन हो जाएगा T1, और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, राइट? हियर इट इज T2, देन ये हो गया आपका T2, दिस टेंशन इज T2। अब करना क्या है, सब सारे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम लिखना है। ये देखिए एकदम स्मूथ फ्लोर है, इसलिए कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सीधे हम ये क्या करेगा, इसका मास है तो वेट एम्प्टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। सिमिलरली वेट ऑफ दिस बॉडी विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 2mg, राइट? अब फ्री बॉडी डायग्राम सबका हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम सबका हो गया। लेट अस सपोज ए इज एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, मान लेते हैं कि ए एक्सीलरेशन से ये सिस्टम, ऑफ कोर्स दिस मास इज 2m, तो सिस्टम हमारा ऐसे जाएगा लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव होगा। ये ऊपर जाएगा तो इसका एक्सीलरेशन हो गया ए, ये नीचे आएगा तो इसका एक्सीलरेशन हो गया ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? नाउ चलिए यू राइट द इक्वेशन ऑफ ऑल द थ्री बॉडीज, राइट? ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम जहां से शुरू करें, कहीं से हम लोग इक्वेशन लिखना शुरू कर सकते हैं, जैसे यहीं से करते हैं। सबसे पहले ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इज टी वन, देखिए यहां से टी वन माइनस एम जी, तो दिस इज टी वन माइनस एम जी, दिस विल बी इक्वल टू एम इन टू ए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, देखिए इसका ये हो गया। सेकेंड अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्सीलरेशन से जा रहा है लेफ्ट टू राइट ऐसे, तो पुलिंग फोर्स क्या है, टी टू माइनस टी वन, सो वी आर यू हैव टी टू माइनस टी वन, दिस विल बी इक्वल टू 3m, इसका मास हुआ 3m इंटू ए, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। एंड फॉर दिस बॉडी व्हाट वी राइट, देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स क्या है, दिस इज 2mg माइनस टी टू, तो टू ट्वाइस एम जी माइनस टी टू, दिस इज इक्वल टू 2m इंटू ए, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। चलिए इन तीनों को ऐड कर दिए, ये टी वन देखिए टी वन कैंसिल, टी टू कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2mg माइनस mg, सो दिस इज इक्वल टू सिंपली mg, 2mg माइनस mg इज इक्वल टू mg, और ये कितना हो जाएगा 2m 3m 5m और 6m 6m इंटू ए, देयरफॉर वी हैव a इज इक्वल टू कितना, देखिए m से m कैंसिल हो गया, सो वी हैव a इज इक्वल टू g बाई 6, तो एक्सीलरेशन का आंसर हो गया g बाई 6। Now, with the help of these two equation, we can find from equation 1, we have T1 ka value kitna ho jayega? T1 is equal to MA plus MG, and M common le liye, this is A plus G, right? Aur A ka value kitna hai? G by 6. So, here M, this is G by 6 plus G, so this will be equal to how much? 7 by 6mg, we have T1 is equal to 7 by 6mg, right? T1 is equal to 7 by 6mg, right? Similarly, what for T2? Okay, we have T2 is equal to, from equation 2, we have T2 is equal to, yeah, yahi se hum kar sakte hain, from equation 3, T2 is equal to 2m, common le liye, 2m, kitna ho jayega? G minus A, now this is G minus A, so this will be twice m, g minus g by 6, so this will be how much, देखिए 6 5, तो ये कितना हो जाएगा, this will be 6 minus 1 5 by 6, so this is 10 by 6 g, this is 10 by 6 g, so this is 10 by 6g, or we can say T2 is equal to 5 by 3g, 3mg, right? Here 5 by 3mg, right? 5 by 3mg, this will be answer, and acceleration A will be the